सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ के छोटे सिंगाव पाकेला में एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर दीपिका आज पूरे छत्तीसगढ़ में सामाजिक व राजनीतिक स्तर से अपने कद को बढ़ाया है। दीपिका की न आर्थिक रूप से मजबूत है और न ही उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है। साधारण परिवार में जन्मी दीपिका शुरू से ही मेधावी छात्रा के रूप में अध्ययन की व सुकमा में महिलाओं की स्थिति को बचपन से देखती आई। दीपिका ने बड़े होकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने का बचपन से सपना देखा, इसीलिए सबसे पहले कानून की पढ़ाई कर महिलाओं को कानूनी ज्ञान कराकर सबल बनाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि दीपिका सुकमा जिले के धुर नक्सल क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर पानी, आवास एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने के साथ साथ महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के साथ उनका कानूनी हक दिलाने की दिशा में भी कार्य कर रही हैं। दीपिका ने बताया कि उनका सपना है कि सुकमा जिले में हर गांव में महिला अदालत की स्थापना करना, जिसमें गांव की ही साक्षर 10 महिलाएं हों जो गांव में महिलाओं के हित व उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। समाज में महिलाओं के प्रति जो दुर्भावना बनी हुई है उसे दूर करने हेतु प्रयास करें। इस कार्य हेतु दीपिका का कहना है कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। दीपिका ने वकालत की परीक्षा में बस्तर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी हासिल किया है व वर्तमान में LLM में अध्ययनरत है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जब लोगों का घरों से निकलना भी दूभर था, ऐसे विषम परिस्थितियों में दीपिका ने कई गांव में जाकर बच्चों को निशुल्क कॉपी, पेन, पुस्तकें बांटी हैं, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि जागृत न हो। साथ ही क्षेत्र की पानी, आवास व मजदूरी भुगतान की समस्या को देखकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से मिली जानकारी पर सैकड़ों क्षतिग्रस्त हैंडपंप को बनवाकर पानी की सुविधा करवाई। इतना ही नहीं, अधूरे आवासों व बकाया मजदूरी के भुगतान भी गांव-गांव जाकर करवाए, जिसके कारण आज सभी ग्रामीणों के बीच उन्हें स्नेह प्राप्त हो रहा है। आज महिला दिवस के अवसर पर दीपिका ने कहा कि जब तक सुकमा जिले में महिलाओं को उनके कानूनी हक व जानकारी नहीं होंगी, मैं इसी प्रकार उनके बीच कानून की अलख जगाती रहूंगी। दीपिका के इन्हीं सभी कार्यों से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ की गौरव पद्मश्री फूलबासा ने हाल ही में बिलासपुर में एक कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित भी किया है। सभी को मेरा नमस्कार। जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो हम सभी को यह लगता है कि महिला सशक्तिकरण मांग रही है, जबकि सशक्त महिला एक महिला का अधिकार है। हर दिन यह जोश या जुनून बरकरार रहे, हर दिन शक्ति का पर्व है जिसकी केंद्र बिंदु एक महिला है। और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। सुकमा से जिला ब्यूरो संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।